हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज बनाने वाले हैं हम होटल रेस्टोरेंट जैसे मटकी की सब्ज़ी। यहाँ हमने मटकी को अच्छी तरह से धो लिया है। देखिए, साइड में गैस पे एक तवा रखा है, उस पर हमने प्याज को काट के डाला है। उसे हमें भूनना है, हमें मसाला तैयार करना है सब्जी के लिए, इसलिए हमें प्याज को काट कर तवे पर भून लेना है। देखिए, इस प्रकार हमें प्याज को काट के भूनना है। जैसे रेस्टोरेंट ढाबे पे जैसे हमें भंडारे में मिलती है मटकी की सब्ज़ी, वैसे ही सब्ज़ी आज हम घर पे बनाने वाले हैं। यहाँ पे देखो, मैंने नारियल को टुकड़े करके नारियल को भी भून लिया है। ये नारियल ओला था इसलिए मैंने टुकड़े किए। हमारे पास जब सूखा नारियल होगा तो कद्दूकस कर लेना। यहाँ पे एक टमाटर को भी काट कर भूनना है और 5-6 से लहसुन की कलियों लेकर उसे भी भूनना है। यहाँ पे देखो, मटकी धोकर साइड में निकालिए। देखो, हमारे प्याज टमाटर अच्छे से भून गए हैं। यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है वैसी ही सब्जी हमें आज बनानी है, तो रेसिपी को पूरा देखिए। यहाँ पे भुने हुए मसाले को मिक्सी जार में डालना है और थोड़ा सा काजू और धनिया को भी मिक्सी जार में डालना है और अच्छे से पीस लेना है। देखो, यहाँ पे मैंने बिना पानी डाले मसाला तैयार किया है। इसमें डालेंगे हम हमारे घर में जो भी गर्म मसाला होगा, हो अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डालना है मसालों में। अलग बर्तन में लेके हमें साइड में ही मसालों को मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने मिक्सी जार में से मसालों को एक बर्तन में निकाल लिया और उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च पाउडर सब मसालों में डाल दिए और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है नीचे ही। देखो, एक बर्तन में सब मसाले मिक्स हो गए हैं। गैस पे एक कढ़ाई रखनी है, उसमें तेल डालना है। गैस की फ्लेम को मीडियम आंच पर रखना है। पहले तेल में जीरा को भून लेना है और उसमें डालेंगे हम मिक्स किए हुए मसाले। इस मसाला में हमने पानी नहीं डाला है, पीसते समय भी पानी नहीं डाला। इसे अच्छे से खमंग खुशबू आने तक भून लेना है। कम आंच पर हमें मसाला को भूनना है। देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी जब मसाला भून रहा था तब, और जिस बर्तन में हमने मसाला को मिक्स किया था उसी बर्तन में पानी डाला है और वो गरम करने के लिए साइड में गैस पे रखा है। गरम पानी डालने से सब्जी की टेस्ट और बढ़ जाती है। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून रहा है यहाँ पे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया आई थी। मसाला भूनने के बाद यहाँ पे हमने मटकी को डाल दिया है। हमें मटकी को पहले उबालना नहीं है, कोई कोई सीटी लगाकर मटकी को पहले उबाल लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ मटकी को धो के मसाला पकने के बाद उसमें डालना है। देखिए, यहाँ पे मटकी अच्छे से मिक्स कर ली है। उसमें डालेंगे हम गरम किया हुआ पानी। इसमें डालेंगे अपने हिसाब से, हमें जैसी ग्रेवी चाहिए वैसा ही पानी डालना है। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी और टेस्टी रेसिपी आई थी। और हमें कमेंट में बताना कैसी सब्जी आई थी आपकी। बहुत बढ़िया होने वाली है सब्ज़ी, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। अपने स्वादानुसार इसमें नमक डालना है,
बहुत कम साहित्य में और कम समय में हमारी टेस्टी और लाजवाब सब्जी तैयार होने वाली है। यहाँ पे नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है, गैस की फ्लेम को बढ़ाना है, एक उबाल आने तक। देखिए यहाँ पे एक उबाल आ रहा है और गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे या मीडियम भी रखें तो चलेगा। ज़्यादा फ्लेम रखी तो हमारी सब्जी का तेल नहीं रहता है, तेल चला जाता है। देखो कितनी अच्छी दिख रही है हमारी मटकी की सब्जी, बहुत ही बढ़िया और सेम रेस्टोरेंट जैसी, भंडारे जैसी दिख रही है ना। अब उन्हें 10 मिनट तक कम आंच पर हमें पकने देना है। ऑलमोस्ट हमारी सब्जी यहाँ पे पक गई है। बाद में हमें डालना है धनिया पत्ती। देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी मटकी की सब्जी, देखा ना कितनी लाजवाब दिख रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत सिंपल स्वादिष्ट सब्जी तैयार होने वाली है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, आप ज़रूर ट्राई करना, घर में सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। कोई ज़्यादा साहित्य की ज़रूरत भी नहीं है और टेस्टी लाजवाब सब्जी तैयार होने वाली है। यहाँ पे हम सर्व करेंगे। देखो दिख रही है ना सेम ढाबा स्टाइल सब्जी या रेस्टोरेंट में मिलती है वैसी सब्जी, भंडारे में भी वैसी ही सब्जी मिलती है। देखो कितनी लाजवाब सब्जी हमारी कम साहित्य में तैयार हुई है। तो बढ़िया सब्जी तैयार होने वाली है हमारी, तो आप ज़रूर ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना कि सब्जी कैसी हुई। तो लाजवाब सब्जी हमारी तैयार हुई है, देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है हमारी मटके की सब्जी। आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कम साहित्य में टेस्टी स्वादिष्ट और लाजवाब सब्जी हमारी तैयार है, देखो 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी सब्जी हो जाती है। सिंपल तरीके से हमारी रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल सब्जी तैयार है। बहुत बढ़िया आई थी सब्जी, आप ज़रूर ट्राई करना, कमेंट में बताना कैसी हुई आपकी सब्जी। तो खाओ पियो स्वस्थ रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय बाय।